तो दोस्तों फाइनली ओप्पो ने चाइनीज मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन ओप्पो A58 5G को लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको इंडियन मार्केट में भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करने जा रहा हूँ ओप्पो A58 5G के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या कुछ रखी गई है, इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन कब तक हमें देखने को मिलेगा, चाइनीज मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग रखी गई है भाई, और इंडियन मार्केट में आगे उसकी क्या कुछ प्राइसिंग हो सकती है वही बताऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इन टोटल आज के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी देने वाला हूं ओप्पो A58 5G से रिगार्डिंग, तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहां पे ओप्पो A58 5G के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे हम डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं, तो यहां पे जो आपको 6.56 इंच का एक HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जहां पे जो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा दिया गया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे HD डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। सामने की तरफ जो है ओल्ड बहुत पुराना वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है जी बिल्कुल। बैक की तरफ जो है डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 50 मेगापिक्सल का, और सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूज करा गया है। 5000mAh की बैटरी है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे को देखने को मिलता है मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 700 चिपसेट, जो कि 5G मॉडम को सपोर्ट करता है, इसके कारण ये स्मार्टफोन जो है 5G बन जाता है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है, डुअल सिम का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन जो है ColorOS 12.1 पे रन करेगा, जो कि आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड इस स्मार्टफोन जो थिकनेस है वो 7.99mm है, इसका जो वेट है वो 188 ग्राम का है। दोस्तों ये रही कुछ स्पेसिफिकेशन है कहानी ओप्पो A58 5G की। अब मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, तो देखिए चाइनीज मार्केट में सिंगल वेरिएंट में लॉन्च कराया गया है, जो कि है 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी जो प्राइसिंग है चाइनीज मार्केट में रखी गई है 1699 yuan। जी हाँ दोस्तों, जिसको अगर हम इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 19,000 rupees, बिल्कुल 19,000 rupees। देखिए पहले तो मुझे ओप्पो वीवो जैसी कंपनी से बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि आप देते हो एज ए बेसिक से स्पेसिफिकेशन और उसमें आप 8GB रैम दे देते हो। भाई क्या करेगा बंदा 8GB रैम लेकर, 6GB RAM इज मोर देन इनफ विद दिस स्पेक्स। 8GB RAM की यहाँ पे नीड ही नहीं थी, तो अपने प्राइस बढ़ा दिया, 8GB RAM कर दिया। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 8GB RAM अपने डाला, 256GB इंटरनल स्टोरेज डाला, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगी, बट भाई 8GB RAM क्या नीड थी 8GB RAM देने की, 8GB RAM की कोई भी यहाँ पे नीड नहीं थी, क्योंकि देखो रैम यहाँ पे ज़्यादा दे देगा बट मैनेज नहीं कर पाएगा ना, यहाँ पे प्रोसेसर सेंस नहीं बनता इस स्मार्टफोन का। 19,000 में लॉन्च कराया गया है चाइनीज मार्केट में ही, इंडियन मार्केट में भी आएगा तो मान के चलो ना कि 6+120 इसका बेस वेरिएंट ही हो जाए, फिर भी उसकी प्राइसिंग 15-16 हज़ार हो जाएगी, और 15-16 हज़ार में ये स्मार्टफोन अब लेंगे क्यों लेंगे भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, बिल्कुल भी वेट मत करना है, बिल्कुल वेट मत करना, बिल्कुल बढ़िया स्मार्टफोन है, क्लियर आंसर है कि बिल्कुल भी वेट मत करना इस स्मार्टफोन के लिए। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था ओप्पो A58 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डाले। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे जैसे ही एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।